ये है MG की ZS EV 2022 और जहाँ पे MG ने पहले जो ZS EV लॉन्च करी थी वो उसका फर्स्ट जनरेशन वाला लुक था, यानी कि जो पहले लुक आया था। लेकिन ये जो एस्टर आई थी हमारे पास, जो कि आपने देखा होगा, हमारा रिव्यू नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देख लेना, हमारे चैनल पे ही है। लेकिन उसी पे बेस्ड है ये नया वाला लुक, और जो कि इंटरनेशनली यही लुक कंटिन्यू हो रहा है ZS सीरीज पे। जी हाँ, इसका नाम जो है ZS है और एस्टर का नाम भी ZS है। तो यही बात करनी है इसके अंदर कि क्या क्या चेंजेस आए हैं लुक्स में मैकेनिकली, और क्या क्या इसमें अपडेशन आई हैं, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन ड्राइव। MG ZS EV के अंदर ना, जो कि लुक्स में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाला है। बॉडी शेप वही है, चेसी सेम है, लेकिन मेजर अपडेट्स करे गए हैं। स्पेशली हेडलैम्प्स में देखा जाए तो हेडलैम्प पूरे के पूरे चेंज है। आपको जो है एक मोटी सी LED स्ट्रिप दिखती है ऊपर की तरफ, और ये जो है एक ही प्रोजेक्टर लैम्प यहाँ पे दिया गया है जो कि पूरा LED है। लेकिन हाँ, देखने के मामले में डेफिनेटली पहले से प्रीमियम लगता है। और एक ना पिछली वाली जो ZS EV थी उसमें ना ग्रिल आपको ऐसा देखने को बनाती थी कि वो पेट्रोल वाली ही ZS EV हो, लेकिन वहाँ पर वो फिक्स्ड मतलब थी, मतलब कुछ भी उसमें वेंट्स नहीं थे। तो MG ने सोचा कि EV वाला जो वर्जन है उसको भी वैसा ही बनाया जाए कि पूरा ऐसा लगे कि बॉडी कलर में ग्रिल हो और ना कि जो है वो ब्लैक में हो, ताकि लगे कि ये पेट्रोल वाली गाड़ी है, मतलब डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगी है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी करी गई है, लेकिन मुझे पहले वाला लुक ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम बहुत देर से एडिक्टिव हो गए हैं कि वो काली वाली ग्रिल देखने के, तो मुझे वो थोड़ा सा ज़्यादा फेमिलियर लगता है। लेकिन हाँ, ये लुक भी काफ़ी ठीक है। बट यहाँ पर एक छोटी सी कमी मुझे ये लगती है कि पहले जो पोर्टल था, यानी कि जो डोर था इसके चार्जिंग को एक्सपोज करने के लिए, जो कि इसके अंदर दिया गया है, वो हिडन था, मतलब किसी को दिखता नहीं था। यहाँ पर प्रॉपर एक कटआउट दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है कि पहले वाला थोड़ा सा बढ़िया था, लेकिन वैसे ठीक है देखने के मामले में। और नीचे भी बम्पर पूरा नया करा गया है, और यहाँ पर भी आपको नीचे ग्रे फिनिश लगाई गई है, और यहाँ पर एक रेडार के लिए एक फंक्शन जरूर दिया गया, लेकिन एक्चुअल में कोई इसमें रडार फंक्शन ऐसा नहीं आ रहा है अभी। एस्टर में ज़रूर है, तो वैसे ही कुछ कटआउट मारा गया क्योंकि इंटरनेशनली ये अवेलेबल है एडास फंक्शन इसमें, लेकिन यहाँ पर नहीं है। बल्कि अब जो इसमें बाकी चीज़ें हैं, जैसे साइड प्रोफाइल में इसके जो व्हील्स हैं वो भी अब जो है ड्रैग एफिशिएंट हो गए हैं। जी हाँ, ये अलग हैं इसके व्हील्स, जहाँ पर आपको इसको लॉन्ग रेंज में, यानी कि जब आप इसे चलाएंगे तो एरोडायनामिकली जो ड्रैग होगा वो कम करेगा, जिससे आपकी जो है रेंज बढ़ेगी। तो व्हील्स भी वैसे ही डिज़ाइन करे गए हैं, वैसे साइड प्रोफाइल में जो आपको मसल्स हैं चीज़ें हैं सब वैसी सेम दिख रही हैं। और टेल लैम्प भी यहाँ पर चेंज है, यानी कि टेल साइज में पिछली साइड में आपको टेल लैम्प भी अलग देखने को मिलने वाली है, वही एस्टर वाली है जो कि बहुत ही अच्छी और प्रीमियम नज़र आती है। और वहाँ पर भी नीचे का बम्पर भी वहाँ पर आपको अलग देखने को मिलेगा, कुछ एलिमेंट्स जो है वही एस्टर वाले सेम करे गए हैं। और वहाँ पर भी नीचे भी आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी जो कि सेम आगे वाली फिनिश के साथ मैच होती है। देखो जी, बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा हुआ। जी हाँ, ऐसा है कि इंटरनेशनली मेनली जो मॉडल्स आते हैं MG के, जो MG ब्रांड है, जो बेसिकली ब्रिटिश ब्रांड है, तो वो कुछ मॉडल्स जो है स्पेसिफिकली जो ZS EV है वो स्पेशली इन्हीं के लिए निकाली गई थी, मतलब MG ब्रांड के लिए, ना कि उनकी पेरेंट कंपनी के लिए जो कि चाइनीज़ है। लेकिन हाँ, बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ एस्टर वाली वीडियो में भी, और यहाँ पर वही फीलिंग भी कंटिन्यू हो रही है। सॉफ्ट टचेस हर जगह है, यहाँ तक सॉफ्ट टचेस है जो कि डेफिनेटली एक प्रीमियम क्लास वाली गाड़ी के साथ कंपीट करती है, जस्ट लाइक मर्क होगी, बीमर होगी आपकी, ऑडी होगी, तो जस्ट लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर ना अब आपको जो कि पहले वाली ZS EV से क्या क्या चीज़ें अलग मिल रही हैं, तो यहाँ पर आपको वही 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है जो कि लेटेस्ट वाला है। और मेनली क्या है यहाँ पर ना, अब जो पहले एक रोटरी स्टाइल स्विच मिलता था, जिससे मतलब आप फिजिकली जो है वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, शॉर्टकट बटन जरूर दिए गए यहाँ पर। लेकिन मेनली क्या है कि ये जो स्क्रीन में अब जो है कोई भी बेसिक
फंक्शंस के लिए यहाँ पर कोई भी रोटरी स्टाइल कोई यानी कि शॉर्टकट बटन इतने एक्स्ट्रा नहीं दिए गए। लेकिन ये लेटेस्ट जनरेशन MG का जो ये सिस्टम है जिसमें काफ़ी सारे आपको सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, चाहे इसमें नेविगेशन हो, एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो, जियो सावन भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले भी थी, लेकिन चिट चैट फंक्शंस वगैरह टाइप भी इसमें आपको सब देखने को मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी MG जो है देता जा रहा है। और MG का क्लेम भी है ये जो है इंडिया की पहली इंटरनेट कनेक्टेड वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और यहाँ पर मेन जो ड्राइवर साइड के साइड ना आपको यहाँ पर भी बड़ी जो 7 इंच की जो है आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि पहले एनालॉग था, वहाँ पे MID अच्छी खासी थी पहले भी, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिल रही है। इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है सारी इसमें, इसमें काफ़ी डिटेल बताता है कि आप जो है कितने किलोवाट यूज़ कर रहे हो, पर किलोवाट में कितने किलोमीटर चला रहे हो, सारी डिटेल्स काफ़ी सारे फंक्शन जो है इसमें आपको बताता रहता है कि आप कितनी बैटरी से पावर ले रहे हो या कितना रीजन कर रहे हो, तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताता है। और ये जो है नए जनरेशन का स्टेयरिंग व्हील तो अवेलेबल है, साथ में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी खासी मिल रही हैं, लेदर अपोस्टी भी यहाँ पर मिल रही है और सनरूफ तो है ही है बड़ा सा। तो यहाँ पर चीज़ों में मतलब एक तरीके से कहा जाए इक्विपमेंट लेवल में काफ़ी बढ़िया है। अब ऐसा यहाँ पर अंदर और बाहर आना तो काफ़ी आसान है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इंटरनेशनली जो ये मॉडल अवेलेबल है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शंस काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक छोटा सा पॉइंट है, अब बैटरी जो है इसके फ्लोर के नीचे है। जी हाँ, अब इतनी बड़ी बैटरी है कहीं तो लगाएंगे ना, तो फ्लोर के नीचे है, तो कहीं ना कहीं जो फ्लोर की भी मुझे लगता है कि स्पेस है वो ऐसा लगता है कि हल्की सी आप नीज जो है ऊपर करके बैठ रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कॉमन है आजकल इंटरनेशनल EVs जितनी भी आ रही हैं, ये चीज़ कॉमन है। लेकिन हाँ, ये पर्टिकुलर मॉडल EV पे भी है और इंजन के साथ भी आता है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेन क्या है कि स्पेस ओके है, मैं बेटर तो नहीं कहूँगा, मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से मैं एवरेज इंडियन हाइट का हूँ, 5.8 इंच का हूँ। हेड रूम हल्का कम है, मैं पगड़ी बांधता हूँ, लेकिन फिर भी 6 फुट से ऊपर के लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। विड्थ में भी ठीक है, मैं आप मेरे ऐसे 2 लोग तो बड़े आसानी से बैठ जाएंगे, तीसरा पतला बंदा ही बैठ सकता है या कोई टीनेजर। तो ये यहाँ पर स्पेस है, फ्लोर भी फ्लैट है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, पीछे भी AC वेंट और यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब मिल रहा है। तो मेनली क्या है कि यहाँ पर बस मुझे यही पॉइंट लगा कि बैटरी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा नीज ऊपर करके बैठ रहा हूँ बैटरीज की वजह से, बाकी इसमें और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। CV के अंदर ना आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है जो पहले से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट लगभग मतलब 25 PS के आसपास, लेकिन ये 176 PS की पावर है अब इसमें, और आप मान सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है 8.5 सेकेंड में 0-100 चली जाती है, जो कि बहुत ही अग्रेसिव है। जी हाँ, काफ़ी अग्रेसिवली जाती है, कोई इसमें मजाक वाली बात नहीं है कि ये स्लो एक तरीके से कॉम्पैक्ट SUV है, ये काफ़ी फास्ट है और इनफैक्ट काफ़ी अच्छी है चलने में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। साउंड इंसुलेशन काफ़ी ठीक है, लो रेजिस्टेंस वाले टायर्स भी हैं EVs में जो आते हैं, इसमें मिचलन के आ रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और जिस हिसाब से दिख रहा है एकदम से टॉर्क देती है जो कि EVs का नेचर है। अब यहाँ पर नॉर्मल मोड में चल रही है, इसमें 3 मोड आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट, और जैसे स्पोर्ट में दिख रहा है इसमें 30 के आसपास है मैंने जैसे दिया इनपुट, टॉर्क स्टेयर भी होता है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत ही पावरफुल है। तो इसमें मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि ये SUV कोई जोक है, एक तरीके से एक बहुत ही अग्रेसिव SUV है। और मैं जैसे इको पे आ जाऊँगा तो थ्रोटल रिस्पांस यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा सा आपको जो है लीनियर मिलेगा, कोई ज़्यादा उसमें यहाँ पे आपको एग्रेशन नहीं मिलेगा इतना, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा है यूज़ करने में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ना आपको
मेनली क्या है कि अब रेंज जो है 461 किलोमीटर की हो गई है। जो ये लास्ट ईयर थोड़ी सी जो रेंज थी वो बड़ी थी, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास की हो गई थी, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा है क्योंकि 50 किलोवाट लगभग की बैटरी है, 50.3 किलोवाट की अप्रॉक्स जो है। लेकिन यहाँ पर आपको आपको ना बेस्ट है कि ये जो इस प्राइस टैग पे जो ये एसयूवी मिल रही है वो इस प्राइस टैग पे इस कैपेसिटी की जो बैटरी है वो काफ़ी बड़ी साइज की और इफेक्ट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है अपने प्राइसिंग के हिसाब से भी, जो मैं आखिर में बताऊंगा। लेकिन हाँ, पावर अच्छी है, स्मूथनेस अच्छी है, आइसोलेशंस अच्छी हैं, मतलब आवाज़ें जो हैं अंदर और बाहर कमी आ रही हैं, और आपको जो है बाकी जो इसमें चीज़ें हैं जैसे ड्राइविंग डायनेमिक्स भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, जिसके तहत स्टेयरिंग रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है। हाँ, मैं इसे उतना डायरेक्ट नहीं कहूँगा, मतलब बहुत ही एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। और आपको मतलब काफ़ी दूसरी एसयूवी से जो है थोड़ा सा बैटरी मिलने वाला है, हालांकि उतना लाइट फील नहीं करता मतलब लो स्पीड में, लेकिन हाँ आपको नॉर्मल हाई स्पीड पे जाते हैं फीडबैक काफ़ी अच्छा आता है और आप फील करते हैं कि हाँ स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, हैंडलिंग काफ़ी ठीक है, क्योंकि इसका ना एक वज़न जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बहुत अच्छा है, मतलब नज़दीक है, तो यहाँ पर जो कंट्रोल है इसका वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि जो बैटरीज हैं वो फ्लोर के नीचे ही हैं, तो जो मैंने जैसे बताया जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी अच्छी खासी लोअर है, तो यहाँ पर जो कंट्रोल है इस एसयूवी का काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट जो एस्टर आती है, एस्टर भी हमने ड्राइव करी है, एस्टर का सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हुए आपको महसूस हो जाएगी, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हैवी गाड़ी होने के चक्कर में ना थोड़े से सस्पेंशन भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो सस्पेंशन साइड है वो सॉफ्टर साइड है, और ये जो है आपको हाई स्पीड में महसूस होगा, क्योंकि जब आपको थोड़े बहुत बॉडी रोल महसूस होगा, वर्टिकल मूवमेंट्स थोड़े बहुत महसूस होंगे, लेकिन वहीं पे जो कर्व्स पे बेंड्स पे भी जो इसका रिस्पांस है थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी रोल है, लेकिन वेल कंटेंट है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होने की वजह से ये चीज़ें आपको महसूस होंगी, लेकिन हाँ एक लिमिट तक आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद ज़रूर आप महसूस करेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत बॉडी रोल है, लेकिन हाँ एक नॉर्मल ड्राइव के लिए एक अच्छे खासी ड्राइविंग एबिलिटी में ये काफ़ी खरी उतरती है। अब बात करें रेंज के हिसाब से, अब 461 किलोमीटर की रेंज दी गई है। अब आपको मैं सच्ची बताता हूँ, यहाँ पर ना मैंने इसे खड़े करके बहुत देर तक रखा है, बहुत मतलब कई बार इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हार्श भी ड्राइव करा है, और काफ़ी ज़्यादा जो है इससे मतलब मैं वर्क लिया है। सुबह मैंने करीब जो है लगभग ये 100% पे मुझे मिली थी, लेकिन तब जो रेंज दिखा रहा था 250 से 250-300 किलोमीटर के बीच में दिखा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ जो दिखा रहा था उस हिसाब से किलोमीटर्स कम है, क्योंकि जो ड्राइविंग बिहेवियर होता है उस हिसाब से आपको दिखाता है कि आपका लास्ट ड्राइविंग बिहेवियर कैसा था, उस हिसाब से दिखाता है। तो जहाँ तक मैं अभी दिखा पा रहा हूँ, मतलब अभी जो मैं रीड कर पा रहा हूँ, 76 जो है परसेंट की बैटरी रह गई है, और लगभग जो है अभी भी 200 किलोमीटर यहाँ पर रेंज दिखा रहा है, तो जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है काफ़ी बढ़िया है। और अलग अलग मोड में अलग अलग रेंज हो जाती है, इको में ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल में थोड़ी सी कम, फिर स्पोर्ट्स में कम, जो कि यूजुअल ऐसा ही होता ही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यहाँ पे जैसे इको में अभी 200 दिखा रहा है, तो स्पोर्ट्स में करीब ये दिखा रहा है 170, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हाँ आप इको में चलाएं तो भी कोई पावर में दिक्कत नहीं है, नॉर्मल में चलाएं तो भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट पावर है, जैसे देख रहे हो इको में भी है, तब भी लो एंड में पावर अच्छी निकालता है, थोड़ा सा टॉप एंड कम कर देता है, जिसकी वजह से आप जो है इको में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, जिसके तहत आपको इसमें जो है एयरबैग, 6 एयरबैग का ऑप्शन भी मिलता है, ब्लाइंड्स स्पॉट डिटेक्शन मिलता है मिरर्स के अंदर, काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको जो है हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है, हिल असेंट कंट्रोल भी मिलता है, मतलब जो सेफ्टी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे इसमें इक्विपमेंट लेवल आ रहे हैं, जो कि जेन्युइनली बहुत बढ़िया है। हाँ प्राइस भी आप दे रहे हो उस लेवल का, तभी आपको मिल रहा है, और इनफैक्ट
अब यहाँ पर ना एक पॉइंट है कि सब चीज़ें अच्छी हैं। अब जो ईवीज के अंदर ना बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि रीजनरेशन भी एक पार्ट होता है। रीजनरेशन में ना यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर तीन सेटिंग्स आ रही हैं, यहाँ इसे कंट्रोल कर सकते हो, यहीं पे मोड वगैरह दिए गए हैं, बैटरी के स्टेटस चेक कर रहा हो, यहीं से आप चेक कर सकते हो। लेकिन अब जैसे रीजन अब कर रहे हैं, तीन लेवल का यहाँ पर रीजन दिया गया है, मैं आप प्रेफर करना हमेशा लेवल थ्री तक जलाना जो कि इसका काफ़ी हायर है। और ये हाई साइड स्पीड पे जब आपको नॉर्मल ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सा अग्रेशन वाला जो है ब्रेकिंग करता है, यानी कि जिसे इंजन ब्रेकिंग बोला जा सकता है, आप इसे रीजनरेशन बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी अग्रेसिवली करता है। तो डेफिनेटली तीन में काफ़ी ठीक है, दो में थोड़ा हल्का है, वन में बहुत ही माइनर सा आपको महसूस होगा, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन तीन में करीब यहाँ पर -20% तक चला जाता है रीजनरेशन, जो कि काफ़ी बढ़िया है। हाँ, आपकी ये काफ़ी हेल्प करता है सिटी के अंदर, जितनी आपने एनर्जी लूज करी होती है, जैसे अभी मैं सिटी में चला रहा हूँ, सिटी ट्रैफिक में ही चला रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका लूज हो जाती है, जो बैटरी चली जाती है, एनर्जी लूज हो जाती है, अब यहाँ से काफ़ी आप अच्छी खासी मेंटेन और गेन कर सकते हैं, जो कि रेंज सिटी के अंदर काफ़ी अच्छी दे जाता है। अब यहाँ पर ना मैं सीधी सीधी बात बोलूँ, मेरे पास ये ज़्यादा टाइम के लिए कार नहीं अवेलेबल है, कुछ ही देर के लिए अवेलेबल थी, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा देर तक टेस्ट नहीं कर पाया कितनी एग्जैक्ट रेंज ये निकाल सकती है और कितना इसका जो है नई बैटरी के साथ परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। जब मेरे पास काफ़ी लंबे टाइम के लिए आएगी ये कार या मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँगा, तभी मैं जो है इसके बारे में प्रॉपर आपको बेटर बता पाऊँगा कि हाँ एक्चुअल रेंज क्या मिल रही है, जो 461 किलोमीटर रेंज क्लेम करी हुई है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो तब देखेंगे। लेकिन हाँ, स्टीयरिंग कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, बॉडी मतलब एक पैकेज होता है किसी भी गाड़ी का कि हैंडलिंग और जो कि इसकी ड्राइविंग क्वालिटी है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर थाई सपोर्ट भी ठीक है, यहाँ पर मुझे आगे की तरफ काफ़ी ठीक ठाक मिल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, कुशनिंग काफ़ी ठीक है, विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, 360 डिग्री कैमरा भी इसमें आ रहा है, जो फीचर तो ऑलरेडी लोडेड है ही है गाड़ी जो पहले भी थी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें सारी आपको मिल रही हैं वो डेफिनेटली एक अच्छा प्रीमियम एहसास दिलाते हैं, जो कि पिछली वाली ZS EV में थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करी गई थी काफ़ी चीज़ों में, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अब आपको फुली फीचर लोडेड मिल रही है, लेदर रैप्ड जो है, मतलब खासकर सॉफ्ट टचिंग जो है, डैशबोर्ड है, स्टेयरिंग व्हील भी आपको सॉफ्ट टच में मिल रहा है, यानी कि लेदर रैप मिल रहा है, जो कि एस्टर वाला जो एक क्वालिटी थी जो हमने देखी थी, जो स्टार्टिंग में MG की क्वालिटी देखी थी, वही सब यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। तो ये था हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आपने देख लिया कि ये जो नई ZS EV है 2022 वाली, कैसी है चलाने में और क्या क्या इसमें डिटेल्स आ रही हैं। डेफिनेटली MG ने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करा गया है इसे इंटरनेशनल वाली ZS EV को मैच करने के लिए। रेंज बढ़ गई है, बैटरी साइज़ बड़ा हो गया है, पावर अच्छी खासी है, लेकिन मैंने आपके सामने जो डिटेल्स सारी रखी हैं उसकी कीमत देनी पड़ेगी आपको, जो कि स्टार्टिंग प्राइस है इसकी ऑलमोस्ट 22 लाख रुपए से जो है स्टार्ट हो रही है, जो कि लोएस्ट वेरिएंट है। अपर वेरिएंट जो है लगभग 25,80,000 के आसपास जाता है अप्रोक्स, जो कि मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरा जाता है, लेकिन आपको बैटरी पैक जो है अब बड़ा साइज़ का मिल रहा है। पहले लगभग जो है 44 किलोवाट के आसपास का मिलता था, अब जो है 50.3 किलोवाट के आसपास मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो वही चीज़ जो है ये पैसे जो है जस्टिफाई करती है, क्योंकि ये बड़ी बैटरी है इस प्राइस टैग में, और आपको इससे दुगने पैसे दे के भी इतनी बड़ी बैटरी साइज़ वाली कोई EV नहीं मिल रही। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हाँ MG की जो वैल्यू है यहाँ पर ZS EV की खासकर, वो अभी भी मेंटेन है, और मालूम ही आपको सब जगह सब्सिडीज अवेलेबल है, तो ये प्राइसिंग भी जो है कम हो सकता है। तो मेन बात ये है मेरी कहने वाली कि वर्दी है कि नहीं है लेना। देखो जी, आपको पैसे बचाने हैं, अब जो है पेट्रोल के प्राइसेस अब कम नहीं होने वाले, तो उस बात को ध्यान रखते हुए डेफिनेटली ये जो MG ZS EV है आप परचेस कर सकते हैं, चाहे डे टू डे रन के लिए हो, चाहे लॉन्ग राइड करनी हो, यानी कि हाईवेज पे जाना हो, अब चार्जर्स अवेलेबल होना चालू हो गए हैं, तो डेफिनेटली अब वर्दी है एक EV पे शिफ्ट करना। और ये भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, काफ़ी बेटर ऑप्शन है अगर आप कोई भी EVs के ऑप्शन देखेंगे, चाहे डबल प्राइसिंग की हो, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये बेटर ऑप्शन है MG ZS EV 2022 वाली का। तो ये थी हमारी वीडियो MG ZS EV पे 2022 वाली पे। तो आपको कैसी लगी वीडियो बताना जो कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कंजूसी मत करना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन ड्राइव।